पीढ़ी हमेशा श्री संघ को मान्य ही रही है। सच में पूर्वजों का कहना है, गुजराती श्रृंखला में से भावानुवादित, पीढ़ी ने लिया हुआ निर्णय सकल संघ को मानने योग्य नहीं है, क्योंकि परम पूज्य संघ स्थवीर श्रीमद विजय सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज आदि पूज्य आचार्यवर और सकल श्री साधु संघ की सम्मति के बिना का है। और निर्णय मुताबिक अमल हो तो जिन मंदिर आदि धर्मस्थानक आए दिन सार्वजनिक बनने से श्री जैन शासन और श्री जैन संघ को बहुत गहरी हानि पहुंचे, ऐसा संभव है। उपरांत आशातना आदि अनेक कारणों से पीढ़ी का यह निर्णय कोई भी संयोग में मानने योग्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका जाहिर विरोध करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। समुदाय नायक, शासन प्रभावक, परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय अमृत सुरेश्वर जी महाराज साहेब, चैत्रवदी बारस के दिन चेला से लिखा हुआ पत्र। हमारे पूर्वजों द्वारा अनेक अवसरों पे पीढ़ी की भूलों का जाहिर में विरोध किए जाने के बावजूद भी यदि पंडित महाराज पीढ़ी की जाहिर भूलों को जाहिर में रखें तो ये शासन के बड़े गुनहगार हो जाए। कैसा आश्चर्यकारी न्याय है।